भ्रष्टाचार और काले धन को बड़ा मुद्दा बनाकर सत्ता में आई केंद्र की भाजपा सरकार ने कई बड़े फैसले लिए। आधार को बड़ा हथियार बनाते हुए मोदी सरकार ने लड़ाई छेड़ी है, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कई जगह फर्जीवाड़े की खबरें आईं। एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है अलीगढ़ से। यहां तो फर्जीवाड़े के लिए अंगूठा ही बिक रहा है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीम ऐप लॉन्च करते हुए कहा था, आपका अंगूठा ही आपका बैंक होगा। यह अनपढ़ होने की नहीं, ताकतवर होने की निशानी होगी। तब किसी ने नहीं सोचा था कि कोई इसका भी तोड़ निकाल लेगा। सरकार से ब्लैकलिस्ट हो चुके यहाँ के कुछ शातिरों ने जन सुविधा केंद्रों के संचालकों से साठ गांठ कर उनके अंगूठे की मुहर बनवा ली है और बेधड़क आधार कार्ड बनाने में जुटे हैं। केंद्र संचालकों को इस अंगूठे की 10,000 रुपए प्रति माह कीमत भी चुकाई जा रही है। ये किसी का भी कार्ड बना सकते हैं, भले ही वो देश का दुश्मन ही क्यों ना हो। जिलाधिकारी ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए हैं। 15 जुलाई से प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने UIDAI को आधार कार्ड के लिए अधिकृत किया है। UIDAI ने कार्ड बनाने का जिम्मा निजी कंपनियों को सौंपा तो कंपनियों ने फ्रेंचाइजी बांट दी। सरकार ने जन सुविधा केंद्र भी खुलवाए ताकि आसानी से आधार कार्ड बन सके। 15 जुलाई को सरकार ने निजी कंपनियों से काम छीन लिया। अब सिर्फ CSC पर ही आधार कार्ड बन सकते हैं। काम छीनने से पुरानी एजेंसी संचालक खाली हो गए हैं। इन्हीं में से कुछ शातिरों ने अधिकृत केंद्र संचालकों से साठगांठ की और फिंगरप्रिंट लेकर अंगूठे की मुहर बनाने की युक्ति निकाल ली। यह दांव कामयाब रहा। हालांकि यह पूरी तरह गैरकानूनी है, लेकिन कुछ कॉमन सर्विस सेंटर संचालक देश की सुरक्षा से खतरनाक खिलवाड़ कर रहे हैं। अंगूठे पर निर्भर सॉफ्टवेयर CHC संचालक फिंगरप्रिंट मैच होने पर ही आधार कार्ड का सॉफ्टवेयर खुलता है। पुराने फ्रेंचाइजी के पास आधार कार्ड बनाने के लिए जरूरी फिंगर स्कैनर, लैपटॉप, आधार कैमरा, प्रिंटर, GPS डिवाइस, टैबलेट, UCL मशीनें हैं, जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। MFY News, हमेशा सच के साथ।